हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास लिख कर भेजा है कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ऑल माई बेस्ट विशेस आर विद यू, विद लव बेटा। अब आप देखिए कि बेटा, एक बार जब हम अपना टारगेट फिक्स कर देते हैं तब उसको पूरा करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमें उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना बिल्कुल डट कर करना है ना। और इसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है विद पेशेंस एंड विल पावर। अपनी विल पावर को आपने इतना स्ट्रांग बनाना है कि चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए मेरे सामने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव टू अचीव माई एम, है ना। तब आप देखना कि वो मुश्किलें भी आपके सामने बिल्कुल खड़ी नहीं रह पाएंगी, है ना। अपना समय और अपनी शक्ति का आपको बिल्कुल सही दिशा में सदुपयोग करना है बेटा। आपका मन भटकाएगा आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, लेकिन नहीं, आपको उसके कहने में बिल्कुल नहीं चलना है ना। मन को नियंत्रित करके रखना है और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। एक बार आपने अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ इस तरीके से आगे बढ़ानी है ना, इस तरीके से आगे बढ़ानी है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और मैं वहाँ पहुँच कर ही रहूँगा। बेटा टारगेट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है ना, लेकिन उसे अचीव करना जरूरी होता है। चाहे मैं अपनी लाइफ में, अगर मान लीजिए मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है ना, स्टिचिंग में, तो मैं चाहे टेलर ही बनना चाहूँ, लेकिन आपको ऐसा टेलर बनना है कि आपके पास दूर दूर से लोग आए, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा ये कुछ करूँगी कि तभी मेरा नाम होगा या तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन मेन बात ये होती है बेटा कि जो हम करें उसमें इतने अच्छे तरीके से करें कि हमारे को भी सेटिस्फेक्शन हो और जो हमारे आसपास के लोग हैं उससे उन्हें भी बेनिफिट हो बेटा। हम अपने जीवन की समस्याओं में फंसते ही रहते हैं वैसे तो, पर उससे निकलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है और जिसके लिए हमारी विल पावर ही हमारे को आगे शक्ति देती है बेटा। देखिए, एक बार एक गाँव में एक साधु रहते थे बेटा। तो वो साधु जी पता है कैसे थे, वो जब नाचते थे तो बारिश होती थी, इतना मन से नाचते थे कि वो बारिश होने लगती थी, तो वो दूर दूर तक फेमस थे। आपको पता ही है कि ऐसी बातें तो फिर दूर दूर तक जाती है। तो एक बार उस काम में चार लड़के आए बेटा। वो कहते हैं, वो तो पढ़े लिखे थे, वो कहते हैं हम तो नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। तो कहते हैं ये इसमें क्या बड़ी बात है, हम भी करके दिखा सकते हैं। अब उन्होंने एक दिन फिक्स कर लिया कि चलो हम भी ऐसे ही करेंगे और हम दिखाएंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब वो चारों ने थोड़ा 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 करना शुरू करा डांस, लेकिन वो तो बारिश का होनी थी, ऐसे किसी के डांस करने से होती है क्या बारिश, नहीं ना। अब आई साधु जी की बारी, उनको उन्होंने चैलेंज दिया था ना। अब वो डांस करने लगे, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, बारिश नहीं हुई बेटा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, शाम होते होते ही बादल गड़गड़ाने लग गए, तो वो बड़े हैरान हुए। अब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इसका क्या राज है, हमने भी इतने डांस किया था लेकिन हमारे उससे तो नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कहा साधु जी ने, बेटा आपको बहुत ध्यान से समझनी है ये बात। देखिए उन्होंने क्या कहा कि पहली बात तो कि जब मैं ये नाचता हूँ ना बेटा, तो मैं सिर्फ दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, अगर मैं डांस कर रहा हूँ ना तो होना ही पड़ेगा बारिश को। और दूसरी बात ये है कि मैं जब तक नाचता ही रहूँगा जब तक बारिश नहीं हो जाएगी बेटा। देखिए कितना मतलब कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर ना, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये ऐसा काम होना ही है बेटा। और सच में ऐसे ही होता है बेटे, जब हम कोई काम इतना मन से करते हैं ना तो ईश्वर को भी हमारा साथ देना ही पड़ता है बेटे, है ना। तो इसका मतलब आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग बनानी है बेटा।
और दूसरी बात, आपको मेहनत तब तक करनी है जब तक आपका टारगेट पूरा आपको अचीव ना हो जाए बेटे, है ना। इस कहानी को आपने दोबारा सुनना है और देखिए दोनों बातों को बिल्कुल कितना मतलब इम्पॉर्टेंट उन्होंने हमें लेसन दिया है ना बेटे, कि एक तो इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना ही करना है, और दूसरी बात मैं जब तक मेहनत करने से नहीं रुकूंगा जब तक कि बारिश या मेरी मेहनत मेरा टारगेट मेरे सामने सफल नहीं हो जाते बेटे, है ना। तो सबसे पहला काम आपको इसमें ये करना है कि अपने मन को ध्यान लगाने की टेक्निक सीखनी है बेटा। आप कहीं भी दीवार पर एक निशान बना लीजिए, एक छोटा सा डॉट का साइन बना लीजिए बेटा, और 5 मिनट के लिए डेली उस पर ध्यान की टेक्निक लगाया कीजिए बेटा। उसको एकटक आपको देखना है बिना पलक झपकाए, और धीरे धीरे आप अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा मन जो है वो एक जगह पर लगना शुरू हो जाता है बेटा। आई होप कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे बेटा, और अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।